छत्तीसगढ़ बाल श्रमिक कर्मचारी संविलियन समायोजन को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। छत्तीसगढ़ बाल श्रमिक कर्मचारी अपने संविलियन समायोजन को लेकर लाखे नगर ईदगाह भाटा में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। आपको बता दें कि बाल श्रमिक शिक्षक कर्मचारी विगत सन 1996 से छत्तीसगढ़ बाल श्रमिक विद्यालय में कार्य किए थे, जो 15 जिलों में संचालित है, जिसमें 1345 शिक्षक कर्मचारी कार्यरत थे, जो कि शिक्षा के अधिकार के तहत बाल श्रमिक स्कूल को बंद कर दिया गया। वहीं बाल श्रमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अन्य विद्यालय में भर्ती करवा तो दिया गया, लेकिन उनमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए गए, जिसके कारण कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चितता व अंधकारमय हो गया। वहीं केंद्र सरकार ने आदेश किया कि पात्रता अनुसार राज्य सरकार बाल श्रमिक कर्मचारियों को किसी विभाग में संविलियन कर सकती है। कई बार मुख्यमंत्री के द्वारा मौखिक आश्वासन मिलता रहा, लेकिन आज तक नहीं किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर बाल श्रमिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारी रमन सरकार होश में आओ, रमन सरकार होश में आओ, अभी तो रंगड़ाई है, अभी तो रंगड़ाई है, छत्तीसगढ़ की नारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है, हमें संविलियन करना होगा। किसी भी विभाग में बाल श्रमिक कर्मचारियों का किसी भी विभाग में सम्मिलन किया जाए। आए धरना कब से कब तक चलेगी ये धरना प्रदर्शन? जो है अनवरत रहेगा, जब तक राज्य सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और हम सबका आंदोलन भी जारी रहेगा। यदि आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? हमारी अभी सरकार मांगे पूरी नहीं करती तो हम विधानसभा आने वाले सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे या तो फिर भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। क्या नाम लिखा? अनीता सोनी। 1345 कर्मचारी जो 1996 से लेकर के 2014 तक कार्यरत रहे हैं, पिछड़ी बस्तियों के बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, उनको शिक्षा दिए, संस्कार दिए, लेकिन अचानक छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको बंद कर दिया गया है और सारे कर्मचारी जो हैं बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए हम लोग अपनी मांग के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन कब से कब तक रहेगी? ये आज से शुरू हुआ है और ये अनवरत तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे सरकार मान नहीं लेती। यदि मांगे नहीं मानती अगला कदम क्या होगा आप लोग की? मांगे अगर नहीं मानती है तो हमारे पास और भी तरीके हैं, भूख हड़ताल करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटने वाले। अब हमने अपना ये शुरू कर दिया है आज से, तो ये हमारा अनवरत कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आप कितने जिले से आए थे? 15 जिले से आए हुए हैं। संख्या कितना लगभग रही है? 1345 कर्मचारी होते हैं जी। जी, क्या नाम क्या? सुखदेव निर्मलकर, प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़। बाल श्रमिक शिक्षक कर्मचारी संघ जो भारतीय मजदूर संघ से संबंध रखती है, उनके माध्यम से हम बाल श्रमिक लोग एक हमारी संविलियन की मांग हम लोग रखे हुए हैं, जिसमें हम इतने दिन से कार्यरत हैं और शासकीय संपूर्ण कार्य किए हैं हम लोग, और कार्य करते हम करीब 18 वर्ष हो चुके हैं, उसके बावजूद हमारा भी व्यवस्थापन या कहीं भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो हम यही मांग करने रहे शासन से कि हमारा किसी भी विभाग में हमारा संविलियन किया जाए, और यदि मांग पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में विधानसभा का घेराव व भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही तथा अपनी मांग को मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा।